वेल तो सही में इस बार का मनी इन द बैंक अनप्रिडिक्टेबल है। वेल तो है गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के, जो कि लैडर मैच हमें देखने को मिलने वाला है कि मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कौन जीतेगा, सो उसकी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। वेल फर्स्ट सुपरस्टार हो सकते हैं सेथ रॉलिंस। वेल तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि सेथ रॉलिंस हो सकते हैं जो कि मनी इन द बैंक 2021 का जो ब्रीफकेस है, मनी इन द बैंक लैडर मैच का कॉन्ट्रैक्ट जो हमें देखने को मिल सकता है जीतते हुए दिखाई दे जाए सेथ रॉलिंस। एंड सेथ रॉलिंस अगर जीतते हैं तो रोमन रेंस के साथ हमें जरूर एक ना एक बार एक स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। एंड मे भी हमें ऐसा कुछ खतरनाक थिंग देखने को मिल सकता है कि अगर सोचो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच चल रहा हो, जो कि हमें देखने को मिले रसलमेनिया में, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। एंड वेल तो उस रसलमेनिया के मेन इवेंट मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस आते हैं, कैश इन करते हैं एंड द रॉक एंड रोमन रेंस में रोमन रेंस को पिन करके या फिर द रॉक को पिन करके जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ले जाते हैं। सो सोचो ये कितनी इंटरेस्टिंग थिंग होगी अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा तो। मे भी हो सकता है कि हमें आगे आने वाली रसलमेनिया में ऐसा कुछ थिंग देखने को मिले जहां पे सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड द रॉक तीनों का ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिल सकता है। एंड इमेजिन भाई साहब कार्ड कितना खतरनाक हो जाएगा, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस तीनों बंदे एक साथ ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर, भाई ये बहुत ही ज्यादा बड़ी फैंटेसी हो गई। बट अगर ये होता है तो यार मतलब अगर ऐसा थिंग देखने को मिल गया तो यार मतलब सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिगेस्ट माइलस्टोन टच कर जाएगी भाई साहब, मतलब इतना इंटरेस्टिंग थिंग ये हमें देखने को मिल सकता है। वेल तो नेक्स्ट वन सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार है इट्स ड्रू मैकइंटायर। वेल देखो कि जैसा कि तुम लोग को पता है कि ड्रू मैकइंटायर, वेल तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्रू मैकइंटायर का हमें मैच देखने को मिला था बॉबी लैशली के अगेंस्ट एट हेल इन अ सेल में, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए था। और यहाँ पर टाइटल शॉट इनका ऐसा था कि अगर यहाँ पर अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत नहीं पाते तो उनको चैंपियनशिप के पिक्चर में नहीं आना था। सो वेल यहाँ पर उनके पास अब कोई मतलब ऐसा रास्ता नहीं रह गया कि जिससे वो वापस से टाइटल पिक्चर में जा पाए। सो मे बी यहाँ पर एक थिंग हमें देखने को मिल सकता है कि ड्रू मैकइंटायर अगर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते हैं एंड वो लैडर मैच जीत जाते हैं तो मे बी ड्रू मैकइंटायर हो सकते हैं मनी इन द बैंक विनर, तो मे बी वो टाइटल पिक्चर में आ जाए एंड कैश इन करके वो चैंपियनशिप वापस से अपनी जो चैंपियनशिप है वो जो हारे हैं वो ले सकते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड ड्रू मैकइंटायर ने अभी जो चैंपियनशिप हारी है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप वो क्लीन कभी नहीं हारी है, और ये जो चैंपियनशिप हारी है हमेशा धोखे से हारी है, जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो द मिज ने कैश इन किया था। वेल उसके बाद मतलब बॉबी लैशली ने उसके पहले अटैक कर दिया था। सो वेल उसके बाद तो मतलब हमें ऐसी ऐसी थिंग देखने को मिली थी। सो अगर ऐसा कुछ वापिस से होता है मतलब मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं ड्रू मैकइंटायर, सो उनको चांस मिल जाएगा अपनी चैंपियनशिप को वापस लेने का, वेल जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड मे बी आगे चलकर हमें देखने को मिल सकता है कि अगर ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए तो ब्रॉक लेसनर वर्सेज ड्रू मैकइंटायर वर्सेज बॉबी लैशली ट्रिपल थ्रेट भी हमें देखने को मिल सकता है अगर ऐसा कुछ प्लान होगा तो। वेल तो नेक्स्ट वन सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार हो सकते हैं हमारे द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। वेल तो क्या रॉ में ये सुपरस्टार मे बी बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करता है एंड मेरे हिसाब से, अब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता। वेल लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिंदर महल को एक ना एक बार मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए एंड इसको जीतने के बाद तो वो कैश इन कर सकते हैं, एक ऐसा कैश इन कर सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग बना सकता है। वेल तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक हील सुपरस्टार के ऊपर काफ़ी बढ़िया लगता है, तो मे बी जिंदर महल वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि हमेशा परेशान करें, जो कि हर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को स्वामी ये थिंग देखने को मिल सकता है अगर वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं तो। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जिंदर महल को मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जिताती है तो, अगर लैडर मैच जिताती है तो। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार के तो बिग पुश के रूमर्स बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, पहले हमें देखने को मिल चुका है। सो मे बी क्या हो सकता है कि ये सुपरस्टार हमें मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतते हुए दिखाई दे जाए, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं वो है बिग ई, द न्यू डे के बिग ई। वेल तो क्या ऐसा थिंग हमें देखने को मिल सकता है कि बिग ई जो है वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत जाए 2021 का एंड वो लैडर मैच जीते और वो बन जाए द मिस्टर मनी इन द बैंक, एंड हो सकता है कि फिर इनका हमें कैश इन भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकता है। एंड फ्यूचर में रूमर्स आ रहे हैं कि हमें जो हमें मतलब देखने को मिलने वाला है बिग ई, वो हमें रॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो फ्यूचर में हमें रावलरी भी देखने को मिल सकती है बॉबी लैशली वर्सेस बिग ई, अगर बिग ई को जो उनका कैरेक्टर वो और भी स्ट्रांग बनाया जाए तो मे बी ये मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है।
सकता है अगर ऐसा कुछ थिंग देखने को मिलेगा तो देखते हैं क्या WWE के प्लान सही में ऐसे हैं या फिर नहीं। वेल तो नेक्स्ट वन सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार है और ये सुपरस्टार मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि ये सुपरस्टार हो सकता है 2021 का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का विनर। अगर ऐसा कुछ होता है तो मे बी यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है और ये सुपरस्टार है जे उसो। वेल देखो यार जे उसो जो कि रोमन रेंस के साथ ही हैं, समझ लो ब्लड लाइन उनके ब्रदर हैं। सो यहाँ पे हमें ऐसी थिंग देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस यहाँ पे फोर्स करे जे उसो को एंड जे उसो मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करके वो चले जाए मनी इन द बैंक लैडर मैच में एंड मनी इन द बैंक लैडर मैच में जीत जाएंगे अगर जे उसो तो रोमन रेंस को कोई डर नहीं रहेगा। अगर कोई मनी इन द बैंक कैश इन कर उनके ऊपर कर दे तो ऐसा कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि उनके ब्रदर के पास वो ब्रीफकेस रहेगा। सो इससे मतलब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को बचा के रखे रहेंगे एंड उनके पास चैंपियनशिप सेफ रहेगी और ब्रीफकेस भी उनके मतलब ब्रदर के पास रहेगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बन सकती है एंड कभी हमें ऐसा मतलब ऐसा टाइम देखने को मिलेगा जे उसो किसी न किसी तरीके से बाद में हमें कैश इन करते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस के ऊपर। सो यार ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टोरी लाइन बनती हुई दिखाई दे सकती है एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो यार मतलब मे बी यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड ये स्टोरी लाइन मतलब बहुत ही बेटर हो सकती है। सो वेल इन सारी थिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है? तो वेल आपका क्या प्रेडिक्शन है कि मेंस का जो लैडर मैच में कौन सा सुपरस्टार हमें जीतता हुआ दिखाई दे सकता है? तो वेल अपने प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो एंड हाँ सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।